गुड मॉर्निंग, हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल। मैं हूँ श्वेता सिंह और आज मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ दिवाली के दूसरे दिन से। हालांकि दिवाली का जो ब्लॉग था वो मैंने रिकॉर्ड किया था, लेकिन अचानक से हमें निकलना पड़ा जिसकी वजह से मैं उसको एडिट नहीं कर पाई हूँ। तो जब भी एडिट करूँगी ज़रूर डालूँगी। तो फ़िलहाल ये है दिवाली के दूसरे दिन का दिन और अचानक से हम लोग जा रहे हैं कहीं, वो तो आपको आगे ब्लॉग में पता चल ही जाएगा, इसलिए इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा और पसंद आएगा तो लाइक ज़रूर करिएगा। और ये है रास्ते का व्यू, तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया कि थोड़ा अच्छा लगता है ना, और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा था। ऐसे काफ़ी अच्छी सीन थी, बाहर रोड की ही थी लेकिन बहुत अच्छा लग रहा था। तो आप सब भी मेरे साथ एंजॉय करिए और थोड़ा मैं म्यूज़िक लगा देती हूँ ताकि आप सब बोर ना हो। तो ये रास्ते में थोड़ी मस्ती चल रही थी तो मैंने थोड़ा सा रिकॉर्ड कर लिया है। जैसा कि टाइटल देख के आप सब थोड़ा कंफ्यूज हो गए होंगे, तो वो कंफ्यूजन मैं आप सबके दूर कर देती हूँ कि जो टाइटल था उसमें मैंने जो डाला है ना वो थोड़ा सा सस्पेंस था। तो फाइनली अब हम लोग अपनी लोकेशन पे पहुँच चुके हैं, हमें जहाँ पे आना था। तो हम लोग आ गए हैं गुजरात में और उसके बाद अभी दिखाती हूँ मैं, तो पूरा देखिएगा ब्लॉग। तो फाइनली अब हम लोग इंटर हो चुके हैं और मतलब पूरी फैमिली के साथ बहुत मस्ती हुई है यहाँ पे। तो अब बस यहाँ पे हम लोग पहुँच चुके हैं, सामान निकालेंगे और उसके बाद फिर अंदर जाएंगे। हालांकि अभी एक ही गाड़ी अभी आई है, बाकी दूसरी वाली गाड़ी है वो अभी 5-10 मिनट में पहुँच जाएगी। और उसके बाद आज के ब्लॉग में आप मेरी फैमिली को भी देखेंगे और हमने ढेर सारी मस्ती की है, वो भी आप सबके साथ शेयर की हूँ। तो चलिए अब घर के अंदर चलते हैं। तो अभी लॉक खुलेगा
और घर के अंदर का मैं इसके बाद में आपको दिखाती हूँ। और यहाँ पे आप देख सकते हैं सब लोग बाहर बैठे हैं, एंजॉय कर रहे हैं। यहाँ पे ये दोनों मेरी भाभी हैं, बच्चे हैं, सब लोग इस ब्लॉग में आपको दिखेंगे। और ये तो मेरा भाई है। और उसके बाद सब मिलके मस्ती किए, एंजॉय किए, बहुत मज़ा आया। तो कभी कभी ऐसे फैमिली आउटिंग होनी चाहिए, मूड भी फ्रेश होता है, एंजॉय भी होता है। और दिवाली वेकेशन चल रहा था तो इस बार हम लोग सोचे कि हम लोग अपने नए आशियाने पे ही चलते हैं, वहाँ पे ही अपना थोड़ा बहुत टाइम साथ में सबके साथ में स्पेंड करेंगे। तो अब मैं आपको अंदर चल के पूरा दिखा देती हूँ कि अंदर से कैसा है ये। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अब हम लोग एंटर कर रहे हैं। हालांकि एंटर कर चुके थे, पहले ही सब सामान वगैरह रख लिए थे, लेकिन अब मैं इसको शूट कर रही हूँ। तो ये है हॉल, हॉल भी काफ़ी बड़ा है, काफ़ी अच्छा है। और उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं सब कुछ है, सोफ़ा वगैरह है, बस टीवी लेनी है। हालांकि हम लोग यहाँ पे परमानेंट रहने नहीं आए हैं, लेकिन बीच बीच में आते रहेंगे छुट्टियों में। तो थोड़ी बहुत जो ज़रूरत की चीज़ें हैं वो अभी लेना बाकी है इसके लिए। और ये आप देख सकते हैं साइड में बालकनी है, हॉल के सामने ही है ये। और काफ़ी अच्छा सा गार्डन है दो साइड में, बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे एक बेडरूम है, बेडरूम काफ़ी बड़े बड़े हैं यहाँ पे, बहुत अच्छे हैं। और जो भी है आप देख सकते हैं इस ब्लॉग में। तो थोड़ी चीज़ें अस्त व्यस्त हैं क्योंकि अभी अभी सब लोग आए हैं, जो जैसे पड़ा है वैसे ही रख दिए हैं कि थोड़ा रिलैक्स होके उसके बाद फिर सब सही करेंगे। तो ये पूरा बेडरूम है, सामने ड्रेसिंग है और उसके साइड में है वॉशरूम। और उसके बाद अब मैं चलूँगी किचन में। किचन भी काफ़ी बड़ा सा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो ये आप देख सकते हैं ये है हमारा किचन, दो साइड में विंडो है। थोड़ा सा वॉइस का प्रॉब्लम हो रहा होगा आप सबको, तो उसे प्लीज़ इग्नोर करिएगा क्योंकि यहाँ पे मैं जल्दी जल्दी में आई, मैं अपना बड़ा वाला ट्राईपॉड भी नहीं लाई हूँ, माइक भी छूट गया है। तो ऐसे ही मैं ईयरफोन से रिकॉर्ड कर रही हूँ, वॉइस ओवर कर रही हूँ मतलब। किचन के बगल में भी एक वॉशरूम दिया है। और उसके बाद अब हम चलते हैं ऊपर। फ़िलहाल तो ये नीचे का हो गया है, आप सब ने देखा ही, काफ़ी बड़े हॉल भी है, सॉरी काफ़ी बड़ा हॉल भी है, बेडरूम भी बड़ा है। और अभी कुछ चीज़ें हैं जैसे कि टीवी फ्रिज वगैरह यहाँ पे भी लाना है। और उसके बाद अब हम लोग चलते हैं ऊपर। तो आप सब भी चलिए मेरे साथ। तो ये है ऊपर वाला रूम। तो चलिए दिखाते हैं बारी बारी से। ऊपर दो है और यहाँ पे आप देख सकते हैं सारा सामान वैसे ही रखा हुआ है क्योंकि हम लोग आए और उसके बाद तुरंत ही सब फटाफट रख दिए हैं। थोड़ा रूम अस्त व्यस्त हो चुका है और उसके बाद अभी सब ठीक करेंगे। तो यहाँ पे दो एक्स्ट्रा बेड भी हैं, अगर ज़्यादा लोग हैं तो अलग से बेड लगा के भी सो सकते हैं। कबर्ड दिया है, कबर्ड भी काफ़ी अच्छा है, बड़ा है। और बालकनी काफ़ी बड़ी है, बहुत अच्छा लगता है जब बड़ी बालकनी रहती है। तो बालकनी मैं पूरा दिखा रही हूँ आपको। और ये है बालकनी, इधर भी चेयर और टेबल लगे हुए हैं। और बाहर का व्यू बहुत ही अच्छा है, ये आप देख सकते हैं पूरा चारों तरफ खुला खुला है। और सामने ही ना समुद्र है, बीच है, यानी कि सब लोग आते हैं बीच पर घूमने के लिए। और इधर इसका वॉशरूम दिया है। और उसके बाद अब चलते हैं दूसरे बेडरूम में। तो ये वाला बेडरूम भी काफ़ी बड़ा है और सब कुछ है यहाँ पे, आप देख सकते हैं बेड वगैरह हर जगह है, एक्स्ट्रा बेड भी हैं। और इसकी भी जो बालकनी है वो भी काफ़ी बड़ी है और वॉशरूम वगैरह सब कुछ है। और काफ़ी अच्छा लगता है यहाँ पे, बड़ी सी विंडो है और सामने ही बीच है।
और इधर टीवी के लिए दिया है, कवर्ड भी है, सब कुछ है। तो अब हम लोग आ गए हैं एकदम तीसरे फ्लोर पे। यहाँ पे ऊपर काफ़ी बड़ा सा हॉल है, हॉल में भी आप देख सकते हैं एक बड़ा सा किंग साइड बेड रखा हुआ है और उसके अपोजिट में भी है बेड, और काफ़ी बड़ा सा हॉल है, काफ़ी स्पेस है और देख सकते हैं आप सब कुछ काफ़ी अच्छा है। ऊपर भी वॉशरूम है और उसके बाद मैं आपको इसके बाहर का थोड़ा सा व्यूज़ दिखाऊँगी कि एकदम ऊपर से ये कैसा लगता है। काफ़ी अच्छी सीन है यहाँ पे देखने लायक, सामने बीच है और काफ़ी अच्छी ठंडी ठंडी हवा चलती है, तो हमें तो ये जगह बहुत पसंद आई। तो चलिए अब हम बाहर का थोड़ा सा दिखाते हैं आपको। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बच्चे खेल रहे हैं ग्राउंड में, दोनों साइड है, बड़ा सा ग्राउंड है और चारों तरफ खुला खुला है, बहुत अच्छा है। यहाँ पे मूवी वगैरह की भी शूटिंग होती है, रामायण की शूटिंग भी यहाँ पे हुई है। ये आप देख सकते हैं सामने काफ़ी पेड़ वगैरह दिख रहे हैं, तो अगर पॉसिबल होगा तो मैं थोड़ा और शूट करने की कोशिश करूँगी। तो इस ब्लॉग को पूरा देखिएगा, लेकिन आगे जो मैं शूट करूँगी, कोशिश करूँगी कवर करने का, तो वो दूसरे ब्लॉग में आएगा जहाँ पर शूटिंग वगैरह हुई है। अगर पॉसिबल हुआ तो, टाइम रहेगा तो ज़रूर करूँगी। और यहाँ पे ना बगल में ही बड़ा सा तालाब है, तो ये था मेरा एक छोटा सा ब्लॉग। अगर आपको अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ इस ब्लॉग को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ में। और अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ में जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस करिए, जिससे कि मैं कोई भी रेसिपी कोई भी ब्लॉग डालूँ तो उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे और आप सब मेरे वीडियो को देख सकें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नई रेसिपी या ब्लॉग के साथ में। तब तक के लिए अपना और अपने फैमिली का ध्यान रखिए, खुश रहिए और मेरी वीडियोस को देखते रहिए। मिलते हैं। तो बस शाम के टाइम पे फिर से बच्चे खेल रहे थे, हम लोग बैठे थे, बातें कर रहे थे। उसके बाद हम लोग यहाँ के पास वाले मार्केट में भी गए थे, तो वहाँ से भी थोड़ा बहुत सामान लिए क्योंकि हम लोग 2 दिन यहाँ पर रहने वाले हैं, तो ज़रूरत की कुछ चीज़ें लेनी थी वो हमने लिया। हालांकि मार्केट का मैंने कुछ शूट नहीं किया है। और ये आप देख सकते हैं पूरे सब लोग बैठे हैं, मस्ती कर रहे हैं, बच्चे खेल रहे हैं, और जब धूप चली गई, शाम हो गया था ना, तो और भी अच्छा लग रहा था यहाँ। अभी तो यहाँ पे क्रिकेट चल रहा है, धूप भी है, लेकिन शाम के टाइम में काफ़ी ठंडा मौसम हो गया था, बहुत अच्छा लग रहा था। तो बस हम लोग मार्केट से आए कुछ ज़रूरत की चीज़ें लेके, उसके बाद हम लोग किचन में आ गए हैं चाय बनाने के लिए। तो यहाँ पे हम लोगों की मस्ती चल रही थी बच्चों के साथ में, मैं भाभी थी, ये मेरी बीच वाली भाभी हैं, मतलब बड़ी वाली भाभी जो येलो कलर का सूट पहनी थी वो हैं, ये उनके बाद हैं, फिर थर्ड पे मैं हूँ।
तो हम लोग बैठे थे चाय वाय पिए, उसके बाद खाना जो था वो बाहर ही बनने वाला था, हालांकि हम लोग को नहीं बनाना था, तो हम लोग बैठ के थोड़ा इन्जॉय कर रहे थे। और यहाँ पे वो थे मतलब भैया लोग जो यहाँ पे केयर करते हैं बंगलो का, तो वो लोग कुकिंग वगैरह कर रहे थे, तो हम लोगों ने भी काफ़ी इन्जॉय किया। आपने भी इस ब्लॉग को इन्जॉय किया तो ब्लॉग अच्छा लगेगा तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय एंड टेक केयर।